सब्सक्राइब कीजिए एसएन चौधरी के इस चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट पेंटिंग्स से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज ड्राइंग में हम आप लोगों को डक बनाना सिखाते हैं। डक बनाना आसान है बच्चों को। आप टू लिखिए ऐसे, हम दो टू लिख रहे हैं इस प्रकार से। दो टू लिख लिया मैंने, यहाँ से सी लिख दिया ये लाइन, यानी इस प्रकार से हाफ सर्किल ही मान के चल सकते हो, ठीक है। यहाँ आईज हो गया, इसको आप फाइनल लाइन करते हैं। आप डार्क स्केच पेन ले लीजिए शुरुआती दौर में, क्योंकि डायरेक्ट बनाइएगा परेशानी होगी। ये लाइन बनाइए ऐसे, फिर ये चोंच के लिए हो गया। यहाँ से लाइन गया, फिर इधर से ले लीजिए, यहाँ भी दो छोटा छोटा डक वो बना लेते हैं। यानी टू लिख के मतलब बना रहे हैं। इसके बाद क्या करें, जो लाइन है पेंसिल का उसको इरेज कर दीजिए आसानी से, आपका जो मेन इमेज है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कलर में आते हैं। कलर जनरली लोग स्काई ब्लू ही इसमें इस्तेमाल करते हैं, हम भी वही कर रहे हैं। होता तो वाइट है, बट डायरेक्ट वाइट छोड़ेंगे तो साथ इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो धीरे धीरे इसको क्या करना है, शेड करना है। स्काई ब्लू से हम लोग पहले सारे पिक्चर को हम लोग शेड कर लेते हैं। ये मेन पिक्चर है, पहले इसको कर लिए। जब भी करना है पहले जो मेन पिक्चर है उसको करना है। यहाँ ऑरेंज लगा दिए, यहाँ लिए। इसके बाद डार्क ब्लू लिए, कहीं कहीं ये चीज है, इसका डिटेल पीस से आप कर सकते हो। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग लिए बहुत बढ़िया मौका है अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, आप लोगों को हमेशा कुछ न कुछ इजी ड्राइंग जो सारे लोगों से बन जाओ बन जाएगा वो कोशिश करना है मुझे। यहाँ से इसका पानी के लिए हम लोग दे रहे हैं, हाथ को थोड़ा घुमाना है, इधर लाइन नहीं करके तो हाथ को मोमेंट दीजिएगा तो ये ऑलरेडी इस प्रकार से कुछ बनता जाएगा। पीछे कुछ खाली खाली लग रहा है ना, पीछे के लिए क्या करें हम लोग, पीछे के लिए थोड़ा सा ही लो। इस पिक्चर को छोड़ के पीछे में ये लोग का इफेक्ट देख लीजिए, क्योंकि वाटर है तो वाटर का अपना कोई कलर है, तो इसमें भी रिफ्लेक्शन कहीं कहीं आपको दिखाना पड़ेगा। दिखा दिया, हम लोग ऑरेंज कलर ले रहे हैं। ऑरेंज कलर ले लिया, यहां पर थोड़ा शेडो इसका दिखा दे रहा है। अब हम इससे डार्क जो रेड कलर है उससे इसका क्या करेंगे, ये आउटलाइन इसमें भी कहीं कहीं आप
टच कर सकते हो। जब भी करना है डार्क, जो कलर है उसी के आसपास के कलर्स उसका आउटलाइन करना है। फिर फाइनली सबका डार्क ब्लू से कहीं कहीं पानी के लिए। इस प्रकार से हम लोग डक बना सकते हैं। और बन के हो जाएगा तैयार। यहाँ पर एक काम करते, थोड़ा सा क्लाउड का इफेक्ट देते हैं। अब जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा कोशिश करोगे, उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, हर आदमी का सोच अलग अलग होता है, और वो कलर के माध्यम से हो, ड्राइंग के माध्यम से अपने विचारों को, अपने सोच को व्यक्त करता है। ठीक है, इस प्रकार बन के हो गया तैयार। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको और हम